हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए, यहाँ पे जो है आप लोग सोचोगे कि मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो जैसे कि बताया था कि हम लोग जो है गांव जाने की तैयारी हो रही है, तो ये देखिए फाइनली आज वो दिन आ गया है और हम लोग जो है बस अब निकल ही रहे हैं। बैग वगैरह सब पैक करके बाहर निकाल दिया है। ये देख लो, ये क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं। दो बड़े बैग हैं और ये दो छोटे बैग हैं, और ये भी ज़्यादा छोटे नहीं है, इस पर भी पूरा भरा हुआ है। और इसके अलावा टंगाने वाले दो बैग भी हैं, एक बैग मेरे पास भी है, साइड बैग। तो इस तरीके से जो है 6 बैग हैं, तो 6 बैग हम लोग लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा मम्मी भी एक बैग बड़ा वाला लेके गई हुई है। तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं, तो ऑटो बुलाइए। और ऑटो में जो है हमारा सामान, और हम लोग इतने सारे लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए 2 ऑटो मंगाए हैं। एक ऑटो में पापा भाई बैठेंगे और एक ऑटो में हम लोग बैठ जाएंगे सामान लेके। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। और ये वीडियो जो है मैं एक दूसरे दिन ही डालने वाली थी, और बट बहुत बिजी थी मैं, क्योंकि आते से ही रात को हम लोग आधी रात को आए थे। उसके बाद दूसरे दिन जो है बहुत भीड़ भाड़ थी घर में, क्योंकि पंचमी थी। और पंचमी के दिन जो है यहाँ पे श्रृंगार वगैरह चढ़ता है माता जी को, तो पूरा दिन जो था उसमें निकल गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और आज जो है मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो आज गुरुवार है। और बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही थी जब मैं गांव के लिए निकली थी घर से। ये है कोलार, कोलार में जो ये पुल है उसके पास का एरिया है ये। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब अलग ही फीलिंग हो रही थी, क्योंकि मैं शादी के बाद जो है 3 साल समथिंग होने वाला है अब मैं गई हूँ अपने गाँव। तो क्योंकि मेरी बहन है वहाँ पे, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। अगर वो नहीं होती, और फिर और भी लोग हैं, सभी रिलेशन के लोग रहते हैं, और गांव में बहुत सारे लोग हैं, मौसी, बड़े पापा और नाना नाना भी रहते हैं, मामा। तो बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों से मिलकर। तो बस चल पड़े हम लोग, और पूरा सफ़र का जो ब्लॉग है आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और मुझे रास्ते में कहीं भी वीडियो बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि किट्टू के पापा और पापा भाई तीनों जो है सामान पकड़े हुए थे, और मैं किट्टू को, तो किट्टू वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने दे रही थी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा जो है वीडियो बनाया है और एडिट कर लिया मैंने। कुछ कुछ वीडियो जो है हिल गए हैं, तो आधे से ज़्यादा तो मैंने कट कर दिया है। और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, और ये हमारे पड़ोस के ही अंकल जी हैं। ये शाहपुरा का है, देखो शाहपुरा छोटा तालाब है ये। जिसने भोपाल देखा है वो समझ गया होगा, जिसने नहीं देखा है उनको बता रही हूँ कि ये शाहपुरा का छोटा तालाब है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए आप, बगल बगल में जो है पार्क बना हुआ है, यहाँ से नहीं थोड़ा आगे आप लोगों को दिखेगा तो पार्क बने हुए हैं। लोग बाग शाम को, सुबह सुबह जो है जॉगिंग वगैरह, टहलने और डांस वगैरह भी करते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि पार्क वगैरह में डांस वगैरह करते हैं, तो बस उसी तरीके से आप कुछ बोलते हैं, उसमें याद नहीं आ रहा। तो बस हम लोग रास्ते में ही हैं और बस निकल ही रहे हैं हम लोग। और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, हबीबगंज। तो बड़े स्टेशन हम लोग जाने वाले थे, बट हम लोग हबीबगंज जा रहे हैं। और हम लोग का रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुका था, आपको मैंने डेट भी बता दी थी कि 20 तारीख का हम लोग का रिजर्वेशन है, 20 तारीख को हम लोग जाने वाले हैं। तो आज 20 तारीख है, मतलब जिस दिन ये वीडियो बनाई थी तब 20 तारीख थी। और ये देखिए रेलवे स्टेशन बहुत ही प्यारा बनने वाला है गाइस। पहले का जो रेलवे स्टेशन है, अभी मैं आपको आगे से दिखाऊंगी, ये देखो ये नया बन रहा है। और ये बनने के बाद ना बहुत अच्छा लगने वाला, बिल्कुल इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन बनने वाला है, क्योंकि पूरे जो है ना अंदर ज़मीन के अंदर से ना पूरा बना हुआ है, बहुत प्यारा। मैं मतलब इतने दिनों के बाद रेलवे स्टेशन गई हूँ ना, पूरा चेंज हो गया है। ये देखो पुराना वाला हबीबगंज, और अब नया वाला देखो आगे कितना प्यारा बन रहा है वो। और ट्रेन वगैरह जो है ना उनका हर चीज़ जो है अलग अलग, मतलब चेंज हो गया है बहुत सारी चीज़ें। तो अब आप लोगों को मैं अपने भोपाल का हबीबगंज स्टेशन दिखा रही हूँ, छोटी स्टेशन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। और ये देखिए भीड़ है, और इतनी ज़्यादा जो है ना मतलब भीड़ भाड़ नहीं हो रही है अभी ट्रेनों में भी, लेकिन आज जो है सॉरी आज आज बोली मैं बार बार, क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इसलिए। तो ये देखिए ये है 20 तारीख की वीडियो, जब हम लोग गांव के लिए निकले थे। और ये ब्लॉग आने में लेट हो गया, उसके लिए सॉरी।
और मैं सूट पहन के जा रही थी क्योंकि रास्ते का सफ़र है और मैं बिल्कुल भी साड़ी में नहीं करवाती सफ़र, क्योंकि किट्टू भी है उसको भी पकड़ना होता है और इस वजह से सामान भी है, तो इसलिए मैंने सूट ही पहनी है। और यहाँ पे किट्टू को मैंने फ्रॉक पहनाई है, हल्की फ्रॉक है बस। अब हम लोग जो है अभी बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि ऑटो वगैरह से सामान निकाल रहा था भाई, और थोड़ी सी मैंने कहा वीडियो भी बना दी यहाँ पे। तो अब हम लोग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं और चेकिंग वगैरह हो रही थी अंदर, तो हम लोग वहाँ पे बंद कर देंगे, मैं मोबाइल बंद कर दूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना इसलिए। तो अब मैं यहाँ पे जो है मैं वीडियो बनाने के लिए जो है बाहर आई थी, तो भाई कहने लगा कि वीडियो बना देता हूँ इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है। सामान जो है अंदर हम लोगों ने रख दिया है और सीट पे किट्टू के पापा बैठे हुए हैं, पापा और किट्टू बैठी हुई है, मैं और मेरा भाई अंदर आए थे। और देखो ट्रेन भी अलग हो गई है ना, पहले एक ब्लू वाइट इस टाइप में थी, अब जो है ट्रेन चेंजेस हो गए। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ, ये देखिए स्टेशन दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है कि हम लोग गए थे जन शताब्दी से, जो कि 6 बजे की ट्रेन होती है, और हम लोग पहुँचे थे रात को 10:30 बजे। और ये देखिए 10:30 बोल रही हूँ, 11:30 बजे हमें पहुँचना था, बट ट्रेन ने जल्दी पहुँचा दिया था, 11 बजे समथिंग हम लोग जो है जबलपुर टच हो गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे लोग मोबाइल चला रहे हैं और मैंने वीडियो बना लिया था। तो ये जन शताब्दी जो होती है वो बैठने के लिए और स्लीपर होती है ओवरनाइट वाली, तो हम लोग ज़्यादातर ओवरनाइट में जाते हैं, बट इस बार जो है 20 तारीख को ओवरनाइट बंद थी, पता नहीं क्यों किसी रीज़न से ओवरनाइट बंद थी, तो हम लोगों ने जन शताब्दी का रिजर्वेशन करवा लिया था क्योंकि हमें 21 तारीख को पंचमी थी तो हमें आना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग जन शताब्दी से ही आ गए हैं। और मास्क लगा के हम लोग बैठे हुए क्योंकि सभी लोग यहाँ अभी आना जाना कर रहे हैं ना इसलिए। तो ये भाई बाहर से वीडियो बनाया था, उसने वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 है, बहुत ही प्यारा वीडियो बनाता है सब। तो बस अब आगे आप लोगों से मिलती हूँ, जब तक आप लोग वीडियो इंजॉय करिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है हम लोग होशंगाबाद तक पहुँचे हैं और मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ बीच में क्योंकि मैं तैयारी में जो है उसमें लगी हुई थी और किट्टू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैंने सोचा अभी यहाँ पे बातें कर लेती हूँ क्योंकि रास्ते में मुझे नहीं लगता कि बात मैं कर पाऊँगी, और वीडियो जो है मैं सिर्फ स्टेशन तक का बनाऊँगी, उसके बाद जो है वीडियो एंड कर दूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग स्टेशन से बस में गए या अपनी कोई गाड़ी में गए हैं, और हम लोग कितनी बजे रात को जो है अपने गाँव पहुँचे। ये इसका जो ब्लॉग है वो जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का सफ़र आप लोगों को बताऊंगी, इसके बाद जो आगे का सफ़र है देखो। तो वही ट्रेन जो है छूटने वाली है, ट्रेन अब चलेगी और हम लोग होशंगाबाद आ रही है। तो बस ट्रेन चलने वाली है और हम लोग जाने वाले हैं, देखो धीरे धीरे से चल रही है। तो फिर चलिए मिलते हैं, अभी मैं आपको स्टेशन पर पहुंच के जो है और वीडियो जो है आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, रात हो चुकी है और कुछ भी बाहर का कोई भी नज़ारा आप लोगों को दिखेगा ही नहीं। तो वैसे पैकिंग की वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाई दी है और घर से कैसे निकले हैं वो भी दिखाई दिया है। तो चलिए अब मिलते हैं आगे, और अब शायद ही मैं बीच में आप बात कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत जो है स्टेशन पर पहुँच के वहाँ पर जो है मैं अपना वीडियो एंड कर दूँगी। तो यहीं पे जो है सब कुछ आ रहा है।
सभी लोगों ने अभी जो है मेरे मास्क लगा रहा है क्योंकि मैं अपने सीट पे बैठ के और यहाँ पे जो है मैंने साउंड ओरिजिनल वॉइस जो है वो हटा दी आ रहे जा रहे हैं और रेलवे का जो साउंड होता है वो आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कहीं कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा क्योंकि मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, इस वजह से मैंने ओरिजिनल साउंड हटा दिया है। और कुछ रात को टाइमिंग मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं अभी भूल चुकी हूँ, अगर मैं उसी दिन अगर मैं वॉइस ओवर करती तो मुझे याद रहता। और यहाँ पे भी मतलब अच्छा होता है, नवरात्रि के टाइम दिवाली के टाइम अगर आप जाते हो ना तो पूरा माहौल ही बहुत ही अलग ही होता है। देखो कितना अच्छा मंदिर सजे हुए हैं पूरे, हम लोगों को ट्रेन में भी बैठ के जो जैसे ही सिटी के पास हम पहुँचते थे बहुत ही प्यारे प्यारे सजे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ अलग ही बात होती है, आप नवरात्रि से लेके आप दिवाली 11 तक भी चले जाओगे ना तो पूरा माहौल बहुत ही सुंदर होता है। और रात को हम लोग जो है पूड़ी और सब्जी खा रहे थे, ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए थे, बस सब्जी पूड़ी और रोटी लेकर आए थे। जिनको रोटी खानी थी उन्होंने रोटी खाई, जिनको पूड़ी खानी थी उन्होंने पूड़ी खाई। तो बीच बीच में जो थे जंगल पड़ रहे थे तो जंगल में बहुत अंधेरा अंधेरा था, मैंने वीडियो बनाए भी थे बट कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो क्या मतलब वीडियो बनाने का, इसलिए वीडियो नहीं बनाई मैंने, वीडियो इसमें नहीं डाली, सॉरी काट काट के जो है वीडियो मैंने एडिट करी है इसमें। तो चलिए वीडियो देख लीजिए आप लोग। और अभी जो है हम लोग गांव में बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा सा हल्ला हो रहा है बाहर, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, बच्चे लोग खेल रहे हैं बाहर और बगल में ही मंदिर है तो वहाँ से भी आवाज़ें आ रही है। और हम तो अब हम पहुँचने वाले मदन महल, तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मदन महल, बस स्टेशन आने ही वाला है तो आगे चल के आप लोगों से बातें करते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी सजावट है बाहर, नज़ारा देखो कितना प्यारा है, पूरी सजे हुए हैं यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था खिड़की से नज़र हटाने का, बट जब जंगल पड़ता था ना तब मन करता था बहुत अजीब सा। तो ये देखिए आ गए हम, पहुँच चुके हैं मदन महल और अब उतरेंगे बड़ी स्टेशन पे। अभी बड़ी स्टेशन आएगी, अभी आया नहीं है, मदन महल क्रॉस किया है। बड़ी स्टेशन पे उतरेंगे फिर वहाँ पे कार से जाएंगे फिर वहाँ से, क्योंकि इतनी रात को बस तो मिलेगी नहीं। तो अभी मैं उतर के फिर जो है वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी, वहाँ से फिर बाय बाय करूँगी आप लोगों को। तो मैं अभी स्टेशन पर उतर के जो है आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा स्टेशन का सीन दिखा दूँगी, ठीक है। तो अभी चप्पल बने रहिए ब्लॉग में, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब हम लोग निकल चले हैं मदन महल से और जाएंगे बड़ी स्टेशन। बड़ी स्टेशन में हम लोगों को उतरना है और बीच में जो है गैप है बहुत सारा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर ट्रेन स्पीड में चलती है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो तैयारी भी होने लगी है उतरने की क्योंकि स्टेशन आने वाला है। ये देखिए यहाँ पे बैग वगैरह रख लिया है, बस उतरने की तैयारी चल रही है। और ट्रेन आधे से ज़्यादा खाली हो चुकी है क्योंकि मदन महल में बहुत सारे लोग उतर चुके हैं, सिर्फ कुछ लोग जो बड़ी स्टेशन में उतरना है वही लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो बैग वगैरह सब निकाल रहे हैं और अब जो है हम लोग उतरेंगे। तो हम लोग उतर चुके हैं, स्टेशन पे आ चुके हैं और अब आगे का वीडियो अगर आप लोगों को देखना है कि हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे और गांव कब पहुँचेंगे, मेरा गांव कैसा है, कितनी रात को पहुँचे थे, ये ब्लॉग अगर देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि नेक्स्ट वीडियो, और बेल को क्लिक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।